मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। वायनाड में मिली जीत के बाद गुरुवार को प्रियंका गांधी ने सांसद के तौर पर शपथ ली। शपथ के दौरान प्रियंका गांधी हाथ में संविधान की कॉपी ले रही। बता दें कि संसद में अब गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। वो केरल के वायनाड लोकसभा सीट के लिए हाल ही में संपन्न उपचुनाव में सदन की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। प्रियंका गांधी ने हिंदी भाषा में शपथ ली और इस दौरान उन्होंने संविधान की एक प्रति अपने हाथ में ले रखी थी। इस शपथ ग्रहण समारोह में पूरा गांधी परिवार संसद में मौजूद रहा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनके भाई और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी फोटोग्राफर की भूमिका में दिखे। राहुल ने अपनी बहन की कई तस्वीरें खींची। शपथ के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका को बधाई देते हुए गले भी लगाया। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी आशीर्वाद लिया। कांग्रेस महासचिव के शपथ ग्रहण के अवसर पर उनकी मां और पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटे रेहान राजीव वाड्रा, बेटी मिराया वाड्रा, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला और पार्टी के कुछ दूसरे नेता सदन की दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। शपथ ग्रहण करने के बाद 52 साल की प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। शपथ के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के जरूरी मुद्दों को उठाना, देश और पार्टी के लिए काम करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हम संविधान के उसूलों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि उनके सदन में पहुंचने से राहुल गांधी और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस साल वे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल के वायनाड से विजयी हुए थे। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी, जिसके बाद वहां उपचुनाव हुआ। ये पहली बार है जब संसद में गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य हैं। प्रियंका के भाई राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है और उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य है। प्रियंका वायनाड लोकसभा चुनाव में 4,00,000 से अधिक मतों के अंतर से जीती हैं। वो पहली बार किसी सदन की सदस्य बनी हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थी और उसके बाद से पार्टी महासचिव के रूप में जिम्मेदारी निभा रही हैं। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद।